Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with a brand new episode of Bottle Art. आज का वीडियो महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो है। ये सारी जो बॉटल्स है वो मैंने अब तक बनाई हुई है वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। इन सब बॉटल्स का ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में डाल दूंगी, जस्ट चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फॉर दैट यू विल नीड अ ट्रांसपेरेंट बॉटल। ट्रांसपेरेंट बॉटल इसलिए बिकॉज हम इसमें लाइट डालेंगे, तो लाइट डालने के बाद वो लाइट का जो ब्राइटनेस है वो अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल चूज़ कर रही हूँ और उस पर मैं वाइट एक्रेलिक कलर दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पंज। अब यहाँ पे मैं कोई स्पंज टैबर यूज़ नहीं कर रही हूँ, एकदम नॉर्मल स्पंज है जो 10 रुपये 15 रुपये में आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में या फिर किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में भी मिल जाएगा स्पंज, और बहुत बड़ा स्पंज मिलता है 10 रुपये 15 रुपये में, और उसको कट करके आप ऐसे इजीली यूज़ कर सकते हो। एज़ कम्पेयर टू दिस स्पंज, जो स्पंज टैबर होता है उसका प्राइस बहुत हाई है, ऑलमोस्ट अबाउट 100-120 को वो ऑनलाइन मिलता है, और अगर आप लोकल मार्केट में देखोगे तो वो 80-70 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। सी, हमने पूरी बॉटल को वाइट कलर नहीं दिया है, आधी ही बॉटल को वाइट कलर दिया है, और उस पर ये जो कटआउट था वो मैं मास्किंग टेप से उसको पहले फिक्स कर दूंगी बॉटल पे। आप कोई भी इमेज ले सकते हो इसके लिए, आपके पास अगर कोई स्टिकर होगा रेडी स्टिकर तो फिर आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास इमेज है कोई तो आप इमेज जस्ट प्रिंट करवा के लाओ और प्रिंट करने के बाद उसको अच्छे तरीके से कट कर लो, और कट करने के बाद जो आपका कटआउट रेडी हो जाएगा तो फिर आप इसके लिए वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से उसको पहले फिक्स कर लिया मास्किंग टेप से ताकि फिर वो कटआउट बार बार ढीले नहीं, और फिर मैं उस पर एकदम लाइट वाला जो ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर फेविक्रिल का आता है, वो शेड मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ। उसमें भी मैंने थोड़ा वाइट मिक्स किया है बिकॉज वो भी थोड़ा डार्क लगा मुझे, बिकॉज मैं पहले लाइट ब्लू से स्टार्ट करने वाली हूँ और फिर डार्क करते करते फिर हम ब्लैक तक जाएंगे। इस तरह से मैं उसको पूरा पेंट करने वाली हूँ। तो अभी ये जो लाइट वाला कलर है वो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, और जो वाइट कलर है वो मैंने आधी बॉटल को इसलिए दिया बिकॉज उतने ही पोर्शन में मैं उसको लाइट ब्लू कलर देने वाली हूँ, इसलिए मैंने वाइट कलर उतना ही दिया, बाकी पूरी बॉटल को देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मास्किंग टेप के जगह पे रह गया था वो हम इस तरह से उसको निकाल के दूसरे हाथ से पहले आप उसको कटआउट को पकड़ लो और फिर जो रिमेनिंग एरिया है उसमें हम कलर कर देंगे, फिर वो इवन हो जाएगा। उसके बाद एकदम ध्यान से उस कटआउट को निकाल लो और फिर आपको आपकी जो भी इमेज होगी वो इस तरह से वहाँ पे दिखेगी। अब हमारा इमेज का पोर्शन तो ठीक से हो गया है, तो फिर हम जो बाकी पोर्शन है उसमें हम थोड़ा और डार्क कलर देंगे, ब्लू कलर, और डार्क करते करते हम जाएंगे ब्लैक तक। ये सारे जो कलर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक कलर्स है, और जो बेस कलर मैंने दिया था वाइट वो भी वाइट एक्रेलिक कलर ही था। आप चॉक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हो ग्लास सरफेस के लिए, या फिर आप मल्टी सरफेस पेंट्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो आप फेविक्रिल के जो छोटे छोटे कलर्स आते हैं 20-20 रुपीज़ में वो वाले बेस्ट है, क्योंकि आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और आपको अलग अलग कलर आप ले सकते हो। लाइक वो जो चॉक पेंट आते हैं वो 150 रुपीज़ का एक शेड आता है, तो 150 रुपीज़ में आप 7 कलर्स ले सकते हो ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही एक एक शेड करते करते हम जाएंगे। स्पंज से हम जब कलर देते हैं तब हमें ब्लेंडिंग करने के लिए थोड़ा इजी जाता है, इसलिए स्पंज यहाँ पे यूज़ करो तो बेटर रहेगा। ब्रश से आप इतने अच्छे से उसको शेडिंग पार्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए यूज़ स्पंज। एंड अभी हम डार्कर शेड के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद एंड तक मैं ब्लैक कलर तक दूंगी, तो इस तरह से वो दिखेगा पूरा ब्लैक बैक साइड में। फिर हम एक वाइट कलर लेंगे, पुराना ब्रश लेंगे टूथब्रश, और उससे हम उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा वाइट कलर के डॉट्स आएंगे, इस तरह से उसको स्प्रेड करेंगे पूरे बॉटल पे।
इस कलर को ड्राई होने के लिए मिनिमम आप 6 to 8 hours रुको, और फिर उसके बाद आप कोई भी वार्निश अप्लाई कर सकते हो बॉटल पे। और ये जो मैंने वाइट वाला पोर्शन छोड़ दिया है लॉर्ड शिवा की इमेज, आप वाइट की जगह पे आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा दिखेगा। और फिर थोड़ा बहुत डिटेलिंग पार्ट, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कहीं कहीं पे शार्प इमेज नहीं है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो बहुत ही थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करके। डोंट यूज़ टू मच, अदरवाइज़ वो जब लाइट हम ऑन करेंगे तब वहाँ पे ऐसे पैचेस दिखेंगे और वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बहुत कम वाइट कलर यूज़ करके आप उसको जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। तो ये हो गई है हमारी बॉटल कंप्लीट, और अब हम उसमें डालेंगे ये वाले लाइट्स। ये कॉर्क लाइट्स है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे या फिर किसी लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। इस तरह से आप इजीली उसको बॉटल के अंदर डाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। So let's take a final look. ये without lights, और अब हम देखेंगे कि with lights ये bottle कैसी दिख रही है। See, this is the final look. So guys, आपको ये बॉटल कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपके कोई सजेशंस हो या फिर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड एनी वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।